हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा हमारी पार्टी का शानदार और जानदार कई खेल आप लोग देख चुके हैं, तो आज भी गंगा कैसेट के माध्यम द्वारा शानदार प्रोग्राम आप लोगों के बीच पेश किया जाएगा। खेल का नाम आप लोग पुनः याद करें, रूपनगर की रानी चोरों का राजा उर्फ डाकू नारायण सिंह। रूपनगर की रानी चोरों का राजा उर्फ डाकू नारायण सिंह। दोस्तों, बड़े मार्के की बात बताऊंगा, अगर आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। राम और हनुमान दोनों वीर बराबर हैं, राम हनुमान के सेवक हैं और हनुमान राम के सेवक हैं। दोस्तों, अभी आप गुमराह हैं कि मैं कौन और किस रोल में आया हूं। दोस्तों, मैं रूपनगर का जमींदार रघुवीर प्रताप सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म हमारा वसूल है पुराना। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के खिलाफ कोई साला सर उठाया, कसम बंदूक की इतनी गोली मारूंगा सीना छलनी हो जाएगा। जमाना मेरा है, जमींदार मैं हूं, दिल चाहे सो करूं मेरा अख्तियार है। सारा दोस्तों, दुनिया में हम तीन प्राणी हैं, मैं और मेरी ठकुराइन, तीसरी हमारी बहन तारा जिसे हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, हमें रियाया भगवान मानती है और रियाया को हम अपने बच्चों के समान मानते हैं, लेकिन हमें नफरत है। नफरत है तो उन लोगों से जो चोरी चुपके प्यार करते हैं और प्यार का नाम बदनाम करते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे जमीन पे अपने पांव रख दे तो हमारी जमीन बंजर हो जाए। इसीलिए ये ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह दुर्गा माँ के मंदिर में सौगंध खाया है कि जो भी चोरी चुपके प्यार करते हुए पकड़ा गया उसे ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह दौड़ा कर गोली मारेगा। जब तक है जिंदगी तब तक जीऊंगा सांप से, और किसी ने की बगावत तो कुत्ते को मारूंगा जान से। साला, अब हम अपने कारिंदे को बुलाते हैं और उसे क्या सौंपते हैं। कारिंदा, जय शंकर के। आओ बरखोरदार, हराम जादे। कौन शंकर और कौन भगवान? आप शंकर, आप भगवान।
यहाँ शंकर भगवान की दुहाई नहीं है, किसकी है? यहाँ ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की दुहाई। ऐलान कर दे हमारी रियासत में कि हमारे नाम का नारा लगेगा, हमारे नाम का तोहफा लगेगा। और सुनो, हमारी ठकुराइन का इस वक्त पांव भारी है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मर्दार, हाँ, ठकुराइन के पांव भारी है? हाँ। कितने? इतने इतने? हराम सादे बेवकूफ, तुम साले बेवकूफ के बेवकूफ रह गए। पांव भारी का मतलब नहीं समझ रहे हो? हम नहीं समझ रहे। हमारी हवेली में एक ऐसा फूल आने वाला है जिसके महक से हमारा रूपनगर महक जाएगा। फूल आने वाला है? गुलाब का फूल। तुम साले कभी नहीं सुधरोगे। मतलब इस हवेली में एक नन्हा सा बच्चा आने वाले है। ओ, याने आपकी ठकुराइन यो है। आप समझ गए साला। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपनी ठकुराइन के पास और तुम पूरी निरासत में ऐलान करो कि कस्बा रूपनगर से लेकर गुजरात प्रांत तक अगर कोई प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसे ठाकुर चौड़ा कर गोली मारेगा। और मैं चल रहा हूँ ऐलान करके, तुम लोग 5 मिनट में हमारे पास आओ। बहुत अच्छी बात। छोटू कहिए मोटू, लम्बरदार ने क्या कहा कि हमारे इलाके में जो कोई चोरी चुप्पे प्यार करता हुआ पकड़ा गया उसे ठाकुर दौड़ा के गोली मारेगा। लेकिन छोटू कहिए मोटू, चोरी चुप्पे प्यार ना करो, फिर प्यार करो लम्बरदार के सामने करो। सही बात आपने कहा, चोरी चुप्पे ना प्यार करो। और क्या, ठाकुर साहब के सामने प्यार करो। ठाकुर साहब के सामने प्यार करो। और क्या, ठाकुर साहब के यही ऐलान है। और यार ठाकुर साहब कहें ठकुराइन के एक नन्हा सा मुन्ना होने वाला है। हाँ यार, या कहें के ठकुराइन के पांव भारी, हम कहीं इतने इतने हैं का इतने इतने रहे, तुम तो समझो हाथी पांव समझ लिया हो यार। हम कहीं हाथी ठकुराइन यू है, यानी मुन्ना होने वाला है, यानी वो समझ गया बात को कि ठकुराइन गर्भवती है। तो हाँ सुन लो, जो चोरी चुप्पे प्यार करता हुआ पकड़ा गया मारा जाएगा, लम्बरदार के सामने प्यार करो, खुलेआम प्यार करो, नारी खंधक मा प्यार करो, कहे जहां कहे जा रहा हो, लम्बरदार के द्वारे प्यार करो। और क्या, लम्बरदार के घर घर में नहीं, लम्बरदार के सामने करे प्यार, घर में नहीं यार, चोरी छुपके प्यार नहीं कहोगना। लम्बरदार कहना है चोरी चुप्पे नहीं, खुलेआम प्यार करो। जली को आग बुझी को राख कहते हैं, और बारूद से इस परे ढेर को रघुवीर खतरनाक कहते हैं। क्यों बे कफन चोर मुर्दे की औलाद, हराम जादे क्या बे साले, शमशान घाट के मुर्दे हमने के क्या ऐलान करने के लिए कहा था? क्या कहा, जो कहा था वही तो मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या कहा बोल, मैंने क्या ऐलान करने के लिए बोला बोल, जो आपने कहा वही तो बोला था। मैंने क्या कहा, जो चोरी चुप्पे प्यार करता हुआ पकड़ा गया उसे ठाकुर गोली से मारेगा दौड़ा। तुमने ऐसा ही किया ऐलान? हाँ, लेकिन हमने कहा कि चोरी चुप्पे प्यार मत करो, खुलेआम प्यार। लाइबा
लगा दी आग पानी में, लगा दी आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। हराम खोर ऐलान करके सीधे आओ हमारे पास। अगर तुम लोगों ने जरा भी देर लगाई तो ऐसी मौत मारूंगा, ना साले मर्दों में गिनती होगी ना हिजड़ों में गिनती होगी। क्या लम्बरदार मुंह तुम्हारी हो, मेरे साथ हम चलेंगे ठकुराइन के पास। दोस्तों बाद में बात सारी बताऊंगा, अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान सारा। अरे कहने छुटवा, पहले कहने ही बतायो कि चोरी छुपे प्यार करता हुआ, यानी लम्बर के दार के सामने प्यार ना करो, चोरी छुपे प्यार करता हुआ पकड़ा गया तो गोली से मार दिया जाएगा। चलो तुम कह रहे हो सारे खुले आम कह रहे हो, चलो ठकुराइन का देखा जाए कितना। चलो चला जाए भाई। दरबारी जी मालकिन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर साहब जब रियासत की तरफ जाते हैं तो मेरी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं मालकिन? और मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों नहीं मालकिन? और मैं जब तक उन्हें नहीं देखती तब तक मैं बेचैन रहती हूँ। क्यों नहीं मालकिन? और वो मेरी ख्याल नहीं करते, और शायद कि मुझे कुछ हो गया दरबारी तो क्या होगा फिर। सही बात है मालकिन, लंबरदार का जब देखो जब रियासत की तरफ आपका कोनो ख्याल ही नहीं करते। कोई ख्याल नहीं करते, लेकिन ठीक है मैं इंतजार करूंगी। क्यों नहीं मालकिन? देखो वो मेरे पास आते हैं या नहीं आते। मैं आप बैठिए मालकिन, लंबरदार रियासत की तरफ से बहुत जल्द आएंगे आपके पास। दरबारी मालकिन, क्या बताऊं, जब तक उन्हें देखती नहीं हूं मैं बेचैन रहती हूं। क्यों नहीं मालकिन? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। देना मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में, ओ दिन आखिरी हो
मेरी जिंदगी तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कहो ठाकुरायन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं, लेकिन पहले आप बताएं कि आप कैसे हैं। अरे ठाकुरायन, मैं तो इस वक्त खुशियों से फूला नहीं समा रहा, क्योंकि हमारी हवेली में एक फूल आने वाला है। लेकिन आप तो जब रियासत की तरफ चले जाते हैं तो मेरी जरा भी ख्याल नहीं करते, और मैं आपको जब तक देखती नहीं हूं तब तक मैं बेचैन रहती हूं। ठाकुरायन, तुम्हारी हिफाजत के लिए ये छोटू हमेशा तैनात रहता है, ये तुम्हारी देखभाल नहीं करता? नहीं, ये तो हमेशा लगा रहता है देखभाल में। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो 108 नंबर डायल कर देना। कौन माई का लाल है जो साला नहीं आएगा? नहीं, अगर नहीं आया नहीं ना, ऐसे गर्भवती गर्भवती नारियों का ऐसे ही होता है नाथ। लेकिन मेरी चिंता आप ना करें, आप मेरी चिंता मत करें, आप अपनी बहन तारा के विषय में सोचें। हाँ, ये बात तो मैं भूल गया था। क्यों नहीं, क्योंकि वो सयानी हो चुकी है और मुझे मेरी चिंता छोड़कर अपनी तारा बहन के विषय में सोचिए। ठाकुरायन, इस फूल के चक्कर में मैं तारा को भूल गया था। सब लोग हवेली में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी प्राणों की प्यारी हमारी बहन तारा है कहाँ? मुझे मालूम नहीं है ठाकुर साहब, मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। उससे तो आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती। मैं है? क्या जानूं? आज हम अपनी बहन का इंतजार करेंगे और हमारी बहन आएगी तो मैं उससे गुफ्तगू करूंगा कि आखिर तुम रहती कहाँ हो। हो सकता है कि सहेलियों से मिलने के लिए कह रही थी, हो सकता है कि सहेलियों से मिलने के लिए गई थी, हो सकता है। ठीक है, आप इंतजार करो। लम्बरदार, क्या बात, यह कब तक हुई? आराम खोर, तुम जब भी बोलते हो उल्टा ही बोलते हो। अरे ये प्रभु की लीला है, इसे कौन जानता है कि कब होगा। जब प्रभु चाहेंगे तो हमारी हवेली में फूल आ जाए। प्रभु की मर्जी से होगा। और नहीं साले, तुम्हारी मर्जी से हो। देखो, हम अपनी बहन का इंतजार करेंगे। ठीक सर। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। भैया, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई। सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो भैया, क्या कहने चाहते हो? ये बताओ कि तुम अभी तक कहाँ गई थी? भैया, हाँ, मैं कमरे में ही थी। कमरे में थी? अपने बेडरूम में। कमरे में क्या कर रही थी? बस पेपर चलने वाला है इसलिए पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई? हाँ भैया। आखिर बहन ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की है, अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो हमारा नाम रोशन कैसे करेगी? जाओ, खूब दिल लगाकर पढ़ो और ऐसी पढ़ाई पढ़ो कि तुम्हारे भाई का सर ऊंचा हो जाए। और कॉलेज में अब की बार तुम्हें फर्स्ट आना है, क्योंकि तुम ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बहन। घबराओ नहीं भैया, मैं आपकी बहन हूँ। आपकी मान सम्मान शान शौकत सब कुछ मैं सलामत रखूंगी भैया, आप जरा भी ना चिंता करें। हाँ, रही बात तुम्हारी, तो तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो बहन। भैया, तेरा भाई तेरे लिए जीता है और तेरे लिए मरेगा। बोल बहना, तेरे दिल में कौन ऐसी ख्वाहिश है? मैं कहना तो चाहती हूँ, लेकिन भाभी। क्या बात? जरा आप आए, मैं भैया से कहने में घबरा रही हूँ। अरे घबराने की क्या बात है,
जरा सामने तो आओ, देखो भाभी। क्या बात है? डर इसी बात का लग रहा है भैया, कहीं गुस्से में ना हो जाए। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी कहना हो अपने भैया से खुले शब्दों में कहिए। क्यों डरती हो? मैं भैया को तुम्हारे समझा लूंगी। तुम आपस में क्या मशवरा कर रहे हो, अपने भाई को बताओ। अरे कुछ कहना चाहती हैं भैया। क्या बात? मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि मैं चौबेपुर की हवेली घूमना चाहती हूँ। आपसे इजाजत लेनी है भैया। क्या इजाजत है? देखा, ये हमारी बहन है, कितने ऊंचे विचार हैं, बगैर हमारे इजाजत के अपने कदम बाहर नहीं रखती। अरे तू चौबेपुर की हवेली घूमने जाना चाहती है? क्यों नहीं भैया, पलते पलते तेरा जी उब गया है, तो इसमें हर्ज की क्या बात है, जा। लेकिन एक नसीहत ध्यान में रख। बोलिए भैया। अपनी आना और अपनी जाना, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे तेरे भाई का सर झुक जाए, क्योंकि हमारा सर मूली गाजर की तरह कट सकता है, बारूद की ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी के सामने झुक नहीं सकता। भैया आप घबराए नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, सर कटा दूंगी लेकिन सर नहीं झुकाऊंगी आपका, आप जरा भी ना चिंता करें। तुमसे यही उम्मीद है, जाओ इजाजत है। भाभी लम्बाडर जरा पास आओ। भाभी डर रही थी ना कहने के लिए। मेरे भतीजे को ख्याल रखना। क्यों नहीं, क्यों चिंता करती है? कहीं दिक्कत ना आ जाए कोई बात की, क्योंकि जिस दिन मेरा भतीजा आ जाएगा ना, मैं खुशियों से झूम जाऊंगी। अरे वाह। अच्छा भाभी मैं जाना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे भैया घमरे राम जैसे, अरे भौजी घमरी सीता, इनकी बचानी जैसे रामा और सीता, रामा और सीता। अच्छा भैया भाभी तारिंदा, हमारी बहन तारा को रोको, रोको। आपकी बहन तारा कमरे से गड्डी निकाला, किक मारा, निकल गई बहुत दूर। खाने में उस्ताद और काम में मोहताज, हमारी बहन तुम्हारे सामने आई और तुम्हारे सामने से चली गई, तुम साले उसे बुला ना सके। क्या करे लंबरदार, वो साधन से गई, हम क्या पैदल जाए? अरे लंबरदार दौड़े तो, लेकिन गाड़ी तक धुआं दिया लाग, धुआं के आगे गाड़ी नहीं देखा। ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं। ठाकुराइन क्या बात? हमारी बहन चौबेपुर की हवेली गई है और कारिंदे ने बताया है कि चौबेपुर की फसल अब की बार बहुत अच्छी है, और हम चौबेपुर की फसल देखने जाना चाहते हैं, और शाम को चौबेपुर की हवेली जाऊंगा, अपनी बहन को साथ लूंगा और हवेली वापस आऊंगा, और तुम्हारा ख्याल ये छोटू रखेगा। नहीं लंबरदार। और मोटू अजय तुम हमारे साथ चलोगे। बहुत अच्छी बात, छोड़ो ठाकुराइन को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं। छोटू कहिए मोटू। देखो कौनो बात हो तो रोके रहो, हम लोग फोन कर दियो, जल्दी आ जाओ। छोटू तुम इनका ख्याल रखना, और मोटू तुम हमारे साथ आ। छोटू छोटू मालकिन ठाकुर साहब तो रियासत की तरफ गए हैं। क्यों नहीं मालकिन? और पहले तुम ये बताओ छोटू, कहिए आज बाजार कहाँ की है? बाजार? हाँ बाजार तो सबसे बढ़िया नंबर एक की बाजार पिछवाड़ा की लगती है। पिछवाड़ा की? हाँ। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आज तुम्हें पिछवाड़ा जाना पड़ेगा। क्या कर ले? बाजार जाकर के हो सके अगर मिल जाए तो थोड़ी इमली ले लेना। इमली? हाँ। और हो सके तो मिल जाए तो थोड़ा सा कैथा ले लेना। कैथा? हमको पता था कि एहतराम कहे में खट्टा मीठा खा के जीव करते हैं। क्यों नहीं मालकिन, वो के लेते हुए क्या चीज? वो का कच्ची अमिया। आप समझदार हैं मालकिन। छोटू तुम बहुत समझदार हैं, जाओ ये सब लेकर के आना,
क्योंकि मुझे समझो। हाँ मालकिन समझ रहे हो, किराउंदा राउंदा सब चीज लेते हो भाई। अगर कोनो और हो सके तो हमरा भी लेते ना। हमरा हमरा भी लेता ना। मालकिन सब चीज लेते हो भाई। अगर कोनो बात तकलीफ होए तो हमसे बताओ, लंबरदार का 108 नंबर डायल कर, अब तुरंत एम्बुलेंस आई आपका ले जाए। बहुत अच्छी बात है, जाओ। हे मालकिन तुरंत अब मैं चलूं, ठाकुर साहब का इंतजार करूं और चलते चलते कहना क्या चाहती हूँ। मेरा प्यारी वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बात होने न देगा। मेरा प्यारी वो है, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी नहीं।